नमस्कार, मैं लाल सिंह। युवराज बिहार राम चौक पर यह होलिका दहन का पूजा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार कहा जाता है इसे। और हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप को चार बेटे थे, इसमें सबसे छोटे बेटे भक्त प्रहलाद एक भक्ति भाव में श्रद्धा रखते थे और उनके पिताजी हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। तो भगवान हमेशा जो भक्त रहता है उसकी हमेशा रक्षा करता है। उसी तरीके से विष्णु भगवान नरसिंह भगवान का रूप धारण कर एक वरदान था हिरण्यकश्यप को, धरती आकाश जमीन कहीं भी नहीं मरने का उनको जो वरदान था, इसलिए नरसिंह भगवान अपने मांडी में उसको लेकर देरी के बीच में बैठकर भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए उनका वध किए थे। ये एक त्यौहार ऐसा है जो पुरानी आपसी जो भेदभाव भूल कर एकता का परित्यक और सद्भावना का यह त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जिस तरीके से दशहरा में जो त्यौहार रहता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत, सेम उसी तरीके से होली का त्यौहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के तरह माना जाता है। और आज हम होली यहाँ से एक एक दिन दुपकाले का चालू होता है और ठंडी बिल्कुल जो रहता है ठंडकाला मौसम, ये वसंत ऋतु को जैसा आते ही होली का कार्यक्रम रहता है। यहाँ पर यहाँ से आज के बाद से धूप गर्मी चालू होना चालू होता है। ये वसंत ऋतु का जो त्यौहार है ये बहुत ही शुभ और मेल भेदभाव का सब पुरानी दुश्मनी खत्म करते हुए नए दिल से अपन ये मनाने का त्यौहार है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में हमारा उपस्थित कमल सिंह जी और हमारे जिनय सिंह जी ऑल पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर सब मिलके प्रेम भाव से आदरपूर्वक यहाँ पर हम होली अभी मनाएंगे। अब यहाँ पर होली दहन का कार्यक्रम यहाँ पर अभी शुरू होगा और इसके मैं आपको सब सब आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को और मेरे गोशामल वार्ड की जनता से, मेरे माता बहनों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मेरा नाम नरेश कुमार अग्रवाल है, हम आगापुरा गोशामल में रहते हैं। यहाँ हम सब लोग मिलके आसपास के मिलके सब धूमधाम से होली का त्यौहार मनाएं और होली का दहन है 11:30 बजे हम लोगों ने सब मिलके किया है। हैप्पी होली।